वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं जो आज आप वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बुक्स एंड न्यूज़पेपर फॉर JMI AMU MBA। तो कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी जामिया और AMU MBA के लिए, तो वही मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बुक स्पेसिफिक JMI MBA के लिए और कुछ बुक्स AMU के लिए। जामिया और AMU का लेवल बहुत डिफरेंट है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग बुक्स रेफर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं QA सेक्शन से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बुक है, क्वांटम कैट, जो ये चाहते हैं कि उन्हें लॉट्स ऑफ सॉल्व क्वेश्चन मिल जाए, ताकि वो सॉल्व क्वेश्चंस को पहले आराम से देख ले किस तरीके से क्वेश्चन किए गए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। तो जो इस अप्रोच से करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे उन्हें पहले सॉल्व क्वेश्चन चाहिए उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो वो क्वांटम कैट ले सकते हैं। अदरवाइज आप ले सकते हैं, जो कि फेमस है काफ़ी, अरुण शर्मा की बुक। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसका लेवल थोड़ा सा एडवांस रहता है, तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है या आप एक बार तैयारी कर चुके हैं फिर से आप देने जा रहे हैं, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग के लिए क्वांटम कैट से शुरू कर सकते हैं। ये दो बुक बहुत ही अच्छी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वर्बल पार्ट्स, खासकर ग्रामर पार्ट के लिए, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बहुत ही अच्छी बुक है आपका ग्रामर कवर करने के लिए। देन वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस, तो ये खासकर सेक्शन जिसमें कि हमारा मेन फोकस होता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, काफी इंपॉर्टेंट है जामिया के लिए भी, लेकिन स्पेशली AMU के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाई अरुण शर्मा, तो ये एक ओवरऑल बुक है, इसमें वर्बल का और RC का सारा पार्ट कवर होता है, बट थोड़ा अगेन एडवांस लेवल है। देन देयर इज अ बुक हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर बाई नॉर्मन लुईस, तो ये स्पेशली आप RC में कैसे अच्छा कवर कर सकते हैं, कैसे जल्दी आप रीड कर सकते हैं, वो सारी टेक्निक्स इसमें है। तो फॉर RC सेक्शन दिस बुक। एंड देन EDM डिक्शनरी बाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जिसमें EDMs दे रखे हैं एज अ डिक्शनरी की फॉर्म में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये स्पेशली AMU के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AMU में डायरेक्ट EDMs आते हैं, जामिया में इतने नहीं है, बट फिर भी एक अच्छी बुक है, क्योंकि हमें EDM की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। कभी कभी RC में कहीं ना कहीं बीच में यूज हो जाते हैं, तो हमें सेंटेंस समझने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी। देन फॉर LRDI लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट एंड रीजनिंग, ये दोनों बुक JMI। अब जरा यहाँ पर देखिए डिफ्रेंसिएशन है, ये दोनों बुक स्पेशली JMI के लिए, AMU के लिए इस लेवल की इतनी ज़रूरत नहीं है। AMU के लिए आप करना चाहते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग बाई RS अग्रवाल, ये बुक आपकी AMU वाले बच्चों के लिए फायदेमंद है। और अरुण शर्मा की जो LRDI की बुक्स हैं वो JMI के लिए। तो ये ध्यान रखना कि क्योंकि दोनों का लेवल अलग है, जामिया का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट है, AMU के कंपेरिजन में बहुत ईजी है। एंड लास्ट GKGS एंड करेंट अफेयर्स, जो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट होती है कि कैसे करना चाहिए, तो इसका मैंने थोड़ा कोशिश की है डिटेल में देने के लिए। देखिए स्टैटिक GK का जो पार्ट है, तो अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मनोहर पांडे से अच्छी खासी चीज़ें कवर हो जाती है GK। लेकिन आप उसको डीप में जाना चाहते हैं तो ल्यूसेंट इज बेस्ट, बट इसके लिए आपको थोड़ी डीप स्टडी की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी बहुत मोटी बुक्स आती है, आपको टाइम लगेगा इन सब के लिए। करंट अफेयर्स के लिए सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, रीड न्यूज़पेपर। सबसे अच्छी हैबिट जो है वो है न्यूज़पेपर्स पढ़ने की। तो अगर आप बिगिनर हैं और स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या टेलीग्राफ, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर स्टार्टिंग। इतना अच्छा लेवल नहीं है, बट स्टार्टिंग के लिए आप हैबिट डालने के लिए, ताकि थोड़ा इजियर हो, पढ़ने में मज़ा आए,
लेकिन जैसे ही आप इसको 2-3 मंथ्स तक पढ़ेंगे, 2-3 महीने काफी होते हैं अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आपका लेवल खुद अब एडवांस होने लगेगा और काफी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप अदर न्यूज़पेपर लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, इस लेवल पे आ सकते हैं। तो ये लेवल आपको जरूर रीच करना है, इस लेवल पर आपको पहुंचना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी हैबिट है, करंट अफेयर्स भी आपके इम्प्रूव होते हैं, इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये सब चीजें पता चलती है। तो ये हैबिट जरूर डालिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की। और आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करती है, फोकस ऑन द एडिटोरियल सेक्शन, इट विल मेक यू फेमिलियर विद टॉपिक्स लाइक सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक्स। तो एडिटोरियल में डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं उस पर आर्टिकल आते हैं, तो वहां से आपको एक रीडिंग हैबिट बनेगी, स्पेशली आरसी के लिए। तो आप चाहे सोशियोलॉजी पे आ जाए, पॉलिटिक्स, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक्स, आप फेमिलियर होंगे एटलीस्ट। कॉन्टेक्चुअल वर्ड रीडिंग, डू द रीडिंग पैराग्राफ वाइज एंड मार्क ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड गूगल द मीनिंग वाइल रीडिंग ओनली आफ्टर गैसिंग द मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट एंड ट्राई टू रिलेट द मीनिंग विद द पर्टिकुलर सेंटेंस। तो कंटेक्चुअल में क्या है, आप पहले गैस करें, उसको बताएं आप अपने आप को कि क्या मीनिंग हो सकता है, उसके बाद आप गूगल करके सर्च करेंगे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि आपने कितना क्लोज थे आप। पेन डाउन द सेंट्रल आइडियाज ऑफ ईच पैराग्राफ, देखिए ये आप हैबिट जरूर डालिए, ये आपके काम आएगा, जिसमें हम पूछे जाते हैं क्वेश्चन पैराग्राफ समरी, कि आपसे अगर एक लाइन में पूछा जाए कि क्या होगी समरी, तो सेंट्रल आइडिया लिखने से आप समरी बनाने में हेल्प होती है। आफ्टर फिनिशिंग अप द एडिटोरियल यू मे मूव टू अदर सेक्शन लाइक स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, बिजनेस एंड लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स, बट ट्राई रीडिंग हाफ टू 1 आवर डेली। ये डेली आपको जरूर काम करना है, अगर आप इतना काम कर ले तो करंट अफेयर से तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर रहेंगे, प्लस आपकी लैंग्वेज, सिनोनिम एंटोनिम, वोकैब, इडियम्स वगैरह की नॉलेज, ये सब भी अच्छी इंप्रूव होगी। तो स्टूडेंट्स, जो मेरे हिसाब से जो मुझे बुक्स लगी, जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना जरूरी समझा, तो ये सारी बुक्स हैं। तो आप अपनी कोई अलग अपना कोई कमेंट देना चाहते हैं, अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट हम वीडियो किस पे बनाएं, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, और इसी तरीके के जितने भी हम वीडियोस भेजते हैं उसकी पीडीएफ भी बना के हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो आप ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसमें आपको JMIAMUK प्रीवियस सारे पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस, ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और इसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।